एनिमे के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर फुतारो है वो बहुत ही ज्यादा गरीब है और उसके कोई दोस्त भी नहीं है। लेकिन लंच के समय स्कूल कैफेटेरिया में एक टेबल को लेकर उसकी एक लड़की से बहस हो जाती है, जिस लड़की का नाम इत्सुकी होता है। वो उससे कहती है कि वो उस टेबल पे पहले आई है, इसलिए वो वहां से चला जाए। जैसे सुनकर फुतारो कहता है कि मैं हर रोज यहीं पे बैठता हूं, इसलिए तुम दूसरी जगह पे चले जाओ। और दोनों अपने में बहस करते हुए उसी टेबल पे बैठ जाते हैं, जिसके बाद लंच करते करते इत्सुकी देखती है कि फुतारो पढ़ाई कर रहा था और वो कहती है कि तुम लंच के बीच में पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब तुम पढ़ाई में काफी ज्यादा कमजोर। और इतना कहने के बाद वो फुतारो के एग्जाम रिजल्ट्स देख लेती है, जिसमें कि उसको पूरे 100 मार्क्स आए होते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या ये सच है। जिसे देखकर फुतारो कहता है कि अरे मुझे तो शर्म आ रही है, पर फिर वो कहती है कि क्या तुम मेरी पढ़ाई में मदद करोगे, क्योंकि वो पढ़ाई में काफी खराब होती है। पर फुतारो बिल्कुल भी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और अपना लंच खत्म करके वहां से जाने लगता है। देखकर इत्सुकी कहती है कि वो चाहे तो उसका भी लंच कर सकता है, तो फुतारो कहता है कि नहीं, और तुम अगर इतना ज्यादा खाओगी तो तुम मोटी हो जाओगी, और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि फुतारो को उसकी छोटी बहन का कॉल आता है, जिसमें वो कहती है हम अपने खर्चे की प्रॉब्लम्स को अब सॉल्व कर सकते हैं, पापा ने तुम्हारे लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढा है जिसमें कि तुम्हें एक लड़की को ट्वीट करना है और उसकी फैमिली नॉर्मल प्राइस से 5 गुना ज्यादा पैसे देने वाली है। फिर उसकी बहन उस लड़की का नाम नाकानो बताती है। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां पे एक ट्रांसफर स्टूडेंट आती है जो कि वही कैफेटेरिया वाली लड़की होती है, और उस लड़की का नाम था इत्सुकी नाकानो। और ये सुनते ही फुतारो की फट जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने सब गड़बड़ कर दिया है। इसके बाद वो उसे हाई करने की कोशिश करता है, लेकिन इत्सुकी उसे इग्नोर कर देती है। फिर हमें अगले दिन लंच के समय कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पे फुतारो उसे माफी मांगने के लिए उसके साथ बैठने का डिसीजन लेता है, लेकिन इत्सुकी अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी और वो फुतारो को कहती है मुझे माफ कर देना, लेकिन यहाँ पे टेबल फुल हो चुका है। तो फुतारो दूसरी जगह पे जाने लगता है, लेकिन उनमें से एक लड़की फुतारो से बात करती है और बात करने के बाद वो फुतारो से कहती है अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम अपनी बड़ी बहन इचिका के पास आ सकते हो। ये सुनकर फुतारो थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। इतना सब होने के बाद फुतारो एक गहरी सोच में होता है, तभी एक दूसरी लड़की उसको आवाज लगाती है। ये देखकर फुतारो हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो फिर वो बताती है कि एक्चुअली तुम्हारा पेपर नीचे गिरा हुआ था, मैं तुम्हें वही लौटाने आई हूं। और वो फुतारो से पूछती है इनमें से तुम्हारा कौन सा है, 0 मार्क्स वाला या 100 मार्क्स वाला। यह सुनकर फुतारो कहता है कि मेरा 100 मार्क्स वाला है। जिसे सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर मैं तुम्हें ये दोनों पेपर्स देती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लड़कों के चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लड़के थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, क्योंकि युत्सुबा फुतारो का पीछा करते करते वहां तक आ चुकी होती है, जिसे देखकर फुतारो गुस्सा होता है और वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फिर वो कहती है कि अगर कोई तुम्हारी मदद करे तो तुम्हें उसे शुक्रिया कहना चाहिए, जिस पर फुतारो उसका एग्जाम पेपर लौटाते हुए कहता है कि अब हम बराबर हुए। फिर स्कूल खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि फुतारो इत्सुका का पीछा कर रहा होता है उससे माफी मांगने के लिए, लेकिन उसके साथ काफी सारी लड़कियां होने के कारण वो उससे बात नहीं कर पा रहा होता है। और ऐसे ही वो इत्सुका का पीछा करते करते उसके घर तक चला जाता है, लेकिन फिर भी वो इत्सुका को बता नहीं पाता है। और फिर हम देखते हैं कि इत्सुका अपने घर के अंदर जाने लगती है, जिसके बाद ये भी उसका पीछा करते करते अंदर चला जाता है। और लास्ट में हम देखते हैं कि आखिरकार इसे इत्सुका मिली जाती है, जहां पे इत्सुका से बात करता है। तभी वो उसे बताती है कि देखो तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि आज यहां पे एक ट्विटर आने वाला है हमें पढ़ाने के लिए। जिसके बाद फुतारो कहता है कि हां मुझे पता है और वो ट्विटर मैं ही हूं, और कहता है कि मुझे कल के लिए माफ कर देना। फिर इत्सुका कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमारे ट्विटर नहीं हो सकते। फिर हम देखते हैं कि वो सारी लड़कियां वहां पे आ चुकी होती हैं, जिनसे फुतारो ऑलरेडी मिल चुका होता है। और फिर हमें यहां पे पता चलता है कि वो पांचों असल में बहनें होती हैं, यानी कि क्विंटिप्लेट। और फिर हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पे सभी अपने अपने कमरे में चली गई होती है और कोई भी फुतारो से पढ़ना नहीं चाहता है। पर युत्सुबा वहां पे होती है और वो कहती है कि मैं तुमसे पढ़ना चाहूंगी, और ये सुनकर फुतारो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर युत्सुबा कहती है कि चलो पहले हम सबको लेकर आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि युत्सुबा एक एक करके फुतारो को सभी के कमरे में ले जाती है, जहां पे सभी के सभी फुतारो से पढ़ने से मना कर देते हैं। इसके बाद लास्ट में वो सभी इचिका के रूम में जाते हैं, जहां पे वो देखते हैं कि इचिका वहां पे बिना कपड़ों के ही सोई होती है, जिसे देखकर फुतारो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो इचिका को जल्दी से कपड़े पहनकर नीचे आने को बोलता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब सारी लड़कियां नीचे आ जाती हैं, तो फुतारो कहता है कि चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रही होती है। फिर वो अपने मन में कहता है कि ये लड़कियां तो किसी काम की नहीं। फिर हम देखते हैं कि इत्सुकी फुतारो को कुकीज देती है और कहती है कि अगर तुम इसे खाओगे तो मैं पढ़ सकती हूं, जिसे सुनकर फुतारो उसे खा लेता है। लेकिन फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक कैब में अपने घर के पास होता है, और यहाँ पे उसे इत्सुकी लेके आई होती है। और फिर फुतारो समझ जाता है कि ये सब उसका किया धरा है, और फिर इत्सुकी उसे कहती है कि अब तुम हमें पढ़ाने मत आना। और ये सब अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फुतारो की छोटी बहन वहां पे आ जाती है, और फिर वो फुतारो से पूछती है कि क्या ये आपकी स्टूडेंट है, जिसपे फुतारो कहता है कि हाँ। तभी फुतारो की बहन इत्सुकी से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगी, जिसके बाद फुतारो अपनी बहन को मना करता है, लेकिन फुतारो की बहन की इतनी प्यार से पूछने की वजह से इत्सुकी मना नहीं कर पाती है और वो उसके घर पे चली जाती है। और जहां पे जाके उसे फुतारो की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चलता है, और ये सब देख के उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद ये सभी डिनर कर लेते हैं और सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं कि ये दोनों रोड के किनारे खड़े होते हैं, जहां पे इत्सुकी बोलती है कि तुम्हारे घर की हालात समझते हुए मैं तुम्हें हमें पढ़ाने से मना नहीं करूंगी, और तुम्हें मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम उन चारों को ही पढ़ाना। और ये सुनकर फुतारो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी से उसे पकड़ के कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो। और फिर फुतारो अपने मन में कहता है कि अगर देखा जाए तो मुझे बस एक को पढ़ाने की जरूरत है, जिसके फेयर होने के चांसेस काफी ज्यादा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी वहां पे एक जगह होते हैं, और वो सब फुतारो से कहते हैं
हैं कि तुम्हें हमें पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर फुतारो कहता है कि अच्छा, लेकिन तुम्हें उससे पहले ये साबित करना होगा मेरे एक टेस्ट को पास करके, और अगर तुमने वो टेस्ट पास कर लिया तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं पढ़ाऊंगा। फिर वो सभी मिलकर टेस्ट सॉल्व करती है और फिर फुतारो कहता है तुम लोगों ने कमाल कर दिया है, तुम लोगों ने पूरे 100 मार्क्स मिले हैं, लेकिन तुम सभी के मार्क्स को एक साथ ऐड करके। और इतना सुनते ही वहां से सभी भाग जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पे फुतारो स्कूल की ओर जा रहा होता है और तभी वहां पे एक गाड़ी आके रुकती है जिसके अंदर से वो पांचों बहनें निकलती है और फिर वो सभी आगे जाने लगती है। तभी फुतारो उनसे कहता है कि तुम लोगों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसपे वो कहती है कि हम लोग तुम्हारी चिंता करते भी नहीं है। तभी फुतारो उनके पास आने लगता है, जिसके बाद युत्सुबा कहती है कि हम लोग अकेले पढ़ सकते हैं। जिसके बाद फुतारो कहता है कि अच्छा ऐसा है, तो फिर वो उनसे एक हिस्ट्री का सवाल पूछता है जिससे उनके तेवर ही बदल जाते हैं और उसके बाद वो उन लोगों का पीछा करने लगता है। उसके बाद वो कहता है इन लोगों को ग्रेजुएट होना होगा लेकिन इन्हें पढ़ना नहीं है, ऊपर से इनके और मेरे बीच में काफी ज्यादा दूरियां है, पहले मुझे इनके बीच की दूरियां खत्म करनी होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि फुतारो उन लोगों के रिजल्ट को काफी ध्यान से देख रहा होता है। फिर उसकी नजर मिकू के रिजल्ट पे पड़ती है जहां उसने हिस्ट्री में काफी अच्छा किया होता है। ये देख के वे बहुत ज्यादा खुश होता है और चौंक भी जाता है कि आखिर मिकू हिस्ट्री में इतनी अच्छी कैसे है। जिसके बाद वो मिकू के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे टेस्ट के बारे में बात करनी है, लेकिन मिकू उसे इग्नोर करते हुए कैफेटेरिया की ओर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पे इचका आ जाती है और कहती है कि इन्हें अकेला छोड़ दो। और इसके बाद जो फुतारो होता है वो इचका से कहता है कि लेकिन इन्हें पढ़ना होगा। इसके बाद इचका कहती है कि हाई स्कूल की लाइफ को इस तरीके से बर्बाद कौन करता है, हमें इन सालों को प्यार में पढ़कर बिताना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि मिकू वहां से चली जाती है। इसके बाद इचका कहने लगती है कि लगता है मिकू को कोई पसंद है। युत्सुबा की ये सारी बातें सुनकर फुतारो हैरान रह जाता है। इसके बाद वो क्लासरूम में जाता है तो उसको अपनी डेस्क के ऊपर एक लेटर मिलता है जो कि मिकू ने लिखा होता है, और उसमें उसने लिखा होता है कि तुम मुझसे छत पे अकेले आके मिलो। ये पढ़ के फुतारो हैरान रह जाता है। उसके बाद वो सोचने लगता है कि क्या मिकू मुझे पसंद करती है, और यहां तक कि जब वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर सवाल सॉल्व कर रहा होता है तब भी उसके दिमाग में सिर्फ मिकू ही चल रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहां पे फुतारो छत पे मिकू का वेट कर रहा होता है, और तभी मिकू वहां पे आती है और वहां पे वो आके एक इंसान का नाम लेती है, जिसे सुनकर फुतारो हैरान रह जाता है और मिकू से कहता है ये क्या था। इसके बाद मिकू कहती है मैं बात कर रही थी उसी टेस्ट के बारे में, और फिर वो वहां से जाने लगती है। तभी फुतारो उसे रोकने की कोशिश करता है जिससे उसका फोन जमीन पे गिर जाता है। फिर फुतारो उसका फोन उठाता है और उसे सॉरी कहता है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग छत से नीचे जाने लगते हैं और रास्ते में वेंडिंग मशीन से मिकू उसे एक जूस देती है और उसे कुछ कहती है जिसका मतलब फुतारो को समझ में नहीं आता। और उसके बाद मिकू कहती है देखा तुम्हें कुछ भी नहीं पता, और ये कहने के साथ ही वो वहां से जाने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फुतारो लाइब्रेरी से काफी सारी किताबें ले जाता है और वो सोचता है कि आखिर मिकू की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पे फुतारो काफी अच्छी तरीके से सारी किताबें पढ़ के आया होता है, और फिर वो मिकू के पास जाकर कहता है कि अब तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो। जिसके बाद मिकू उससे पीछा छुड़ा के भागने लगती है और फुतारो भी उसके पीछे भागने लगता है, और मिकू का पीछा करते करते उसे रास्ते में दो युत्सुबा मिल जाती है। फिर वो कहता है कि आखिर यहाँ पे दो युत्सुबा कैसे हैं, और वो कहता है कि शायद तुम मर चुकी हो। ये सुनकर युत्सुबा कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरी युत्सुबा रहती है वो अपने ऊपर से रिबन हटाती है और वापस हेडफोन पहन लेती है। फिर हमें पता चलता है कि वो युत्सुबा नहीं बल्कि मिकू होती है, जिसके बाद फुतारो उसके पीछे वापस से दौड़ना शुरू कर देता है। और काफी देर दौड़ने के बाद ये दोनों थक जाते हैं और बैठ जाते हैं, जिसके बाद फुतारो कहता है मैं कुछ पीने के लिए लेके आता हूँ, और फिर वो वहां से चला जाता है। और उसके बाद फुतारो कहता है मैंने इसके लिए काफी हद तक पढ़ाई की है। जिसके बाद मिकू फुतारो से कहने लगती है कि मैं शुरू से ही बेवकूफ हूँ, इसलिए मैंने अपनी बहनों को इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया। जिसके बाद फुतारो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें एग्जाम में हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे। फिर मिकू कहती है कि मैं जो भी कर सकती हूँ वो मेरी बहनें भी कर सकती है। तभी फुतारो कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारी बहनें कर सकती है वो तुम भी कर सकती हो, यानी कि अगर तुम सब मिलके पढ़ोगे तो तुम सब आसानी से पास हो जाओगी। और इतना सुनते ही मिकू काफी ज्यादा शॉक रह जाती है और वो काफी खुशी से फुतारो की तरफ देखने लगती है। उसके बाद मिकू कहती है कि हाँ ठीक है, और फिर हमें उसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं ये सब बैठ के पढ़ रही होती है और वहाँ पे फुतारो भी आ जाता है। तभी वहाँ पे मिकू को भी आते हुए दिखाया जाता है और उसके बाद वो तुरंत जाकर एक दूसरी किताब लेने लगती है, और ये चीज देखकर युत्सुबा और फुतारो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर मिकू कहती है कि चलो मिल के पढ़ते हैं, और उसके बाद जो फुतारो रहता है वो कहता है कि तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि युत्सुबा मिकू से कहती है कि क्या तुम्हारे और फुतारो के बीच कुछ चल रहा है। और यार इसी के साथ आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हाँ कमेंट करना मत भूलना।